हेलो, सत श्री अकाल। मैं इस किताब का रिव्यू करन जा रही हाँ, जिहदा नाम है पूरनमाशी। आ किताब जसवंत सिंह कंवल ने लिखी है। आ वो पहली किताब है जो मैं पंजाबी च पढ़ी है। मैं कभी नहीं सी सोचा कि मैं पंजाबी च भी कोई किताब पढ़ांगी। मैं अपने दादी मम्मा नूं कोई बुक पढ़ के सुनाना चाहती सी, तो मैं उन्होंने पूछा तुसी केड़ी लैंग्वेज चाहोगे मैं तुहानू सुनावा। कोई हिंदी च किताब पढ़ के सुनावा, कोई इंग्लिश किताब पढ़ के सुनावा, या पंजाबी? तो उन्होंने पंजाबी चुनिया। मैं बड़ी हैरान सी ते थोड़ा टाइम मैनू लग गया आ लभन च कि मैं किताब केड़ी पढ़ा, केड़ी वधिया होवेगी, उन्होंने केड़ी वधिया लगेगी। तो मैं अपने दोस्तों नू भी पूछया। एक दोस्त है जो बड़िया किताबा पढ़ता है पंजाबी च, उन्हें मैनू कहा तू पूरनमाशी पढ़ के देख। आ गल तो मैनू पता सी कि आ एक लव स्टोरी है, पर फिर भी जब पूरी किताब पढ़ी हैरानी फिर भी हुई। किताब शुरू च पढ़ते हुए आ पता लग्या कि किताब पुराने समय च दर्शा रही है स्टोरी नू। ता कुछ एहो जे लफ्ज़ भी सन जो बड़े औखे सन मेरे लिए, ते आ गल भी सी कि मैं बड़े ही लंबे समय बाद पंजाबी पढ़ रही सी। पर हौली हौली मैनू समझ आती गई। मैं अपने डैडी दादी मम्मा नू पूछना, उन्होंने मैनू समझाना कि किस अखर का की मतलब है। दो गल्लां जो इस किताब बारे मैं दसना चाहूँगी। पहली गल, आ स्टोरी दे राही जिहड़ा ऑथर है वह दसना चाहता है कि साड़ी सोसाइटी च की प्रॉब्लम्स ने, ते वह कितना हले भी कुछ प्रॉब्लम्स साड़ी सोसाइटी च एग्जिस्ट कर दिया ने। दूजा है कि जे तुसी पढ़ोगे आ किताब ते तुहानू किसे टीवी सीरियल तो घट नहीं लगेगी, उन्ना ही इंट्रस्ट बनाएगी। सारा सारा कुछ ये सारे एलीमेंट्स होंगे, जिमें प्यार है, धोखा है, होर भी कई चीज़ा तुसी पढ़ के जरूर देखियो। जो एक चीज़ मैनू बड़ी हैरानगी वाली लगी वह ऐ सी, वो लफ्ज़ बोता। मैनू लगता सी कि बोता होंदा है कोई बूटे का ना होना है, तो मैं पूछया भी नहीं कि इहदा मतलब दस्यो। पर जदों मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मैनू दस्या कि इहदा मतलब आ ते एक कैमल होंदा है, तो मैं बड़ा ही हैरान हुई। ते होर एक हैरानी वाली गल है कि मैं कदी नहीं सी सोचिया मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स नू भी प्यार वलवले जे लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगी। पर एंड च बड़ा ही वधिया लग्या आ किताब पढ़ के। ते जे तुसी भी पढ़ना चाहोगे या तुसी पढ़ी है तो मैनू जरूर दस्यो कि तुहानू किहो जी लगी। मैं तुहानू फिर मिलांगी। बाय।